मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह सुरक्षित होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं मैथ का टॉपिक संख्याओं की तुलना। ठीक है, हमें जानना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है या कौन सी संख्या बराबर होती है। इसके बारे में आज हम विस्तार पूर्वक सीखेंगे। तो सबसे पहले आप इन निशान को देखिए। आपने यह पिछली कक्षा में भी किए होंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है और कौन सी बराबर है, उनके लिए हम इन निशान का प्रयोग करते हैं। तो कैसे करते हैं, हम लेके चलते हैं आपको। सबसे पहले एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या आपको पता है एक से लेके और नौ तक। ठीक है, और उसमें अगर हम जीरो को भी ऐड कर लें तो ग्रीक के अंदर हमारे पास ये दस जो डिजिट है इनसे ही संख्याओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो एक अंक की संख्या अगर हम सबसे छोटी की बात करें तो वो होती है एक, और एक अंक की संख्या में अगर हम सबसे बड़ी की बात करते हैं तो वो है हमारी नाइन। अगर हम यहाँ पर इसको लिखते हैं कि एक और तीन, ये हमारे पास दो अंक अलग अलग है। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसमें सबसे यानी कि इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है, एक या तीन, तो जाहिर सी बात है कि एक छोटी संख्या है, तो हम इसके लिए इस निशान का प्रयोग करेंगे। जो चीजें हमारी छोटी है या जो हमारा अंक छोटा है उसकी तरफ हम ये छोटा अंक कर देंगे, जो संख्या बड़ी है उसकी तरफ ये बड़ा अंक कर देंगे। ठीक है, एक और देख लेते हैं। अगर हमने लिखा सात और इधर लिख दिया हमने चार, तो अब इन दोनों में से बताएं बड़ी संख्या कौन सी है, सेवन। तो हम सेवन की तरफ इसका जो मुंह है वो बड़ा कर देंगे। तो ये होगी हमारा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं संख्याओं की तुलना करना कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, अब ये तो हुआ हमारा एक अंक की संख्या। अब हम करते हैं, यदि एक अंक की संख्या इधर भी यही है और उधर भी यही है कि एक तरफ सेवन दूसरी तरफ भी सेवन है, तो हम क्या करते हैं, तो हम देखते हैं कि दोनों संख्या बराबर है, तो हम ये बराबर का निशान लगा देते हैं। हम इसको बोलते हैं सात बराबर सात। ठीक है, इनको बोलते हैं सात बड़ा है चार से, एक छोटा है तीन से। क्लियर है इतना? अब हम यहां देखते हैं, एक तरफ हमारा 24 और दूसरी तरफ है 36, 24, 36। अब इनमें कौन सी संख्या बड़ी है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर इकाई के अंक को आप छोड़ सकते हैं। हमें सिर्फ दहाई, क्योंकि दो अंकों की संख्या है, हमें दहाई का स्थान देखना है कि दहाई के स्थान पर कौन सी संख्या बड़ी है। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पर है दो और यहाँ पर है तीन। ठीक है, तो दो छोटा होता है, तीन बड़ा होता है, तो हम कह सकते हैं कि 24 और 36 में से 36 जो है 36 है वो बड़ी संख्या है। तो हम इसका निशान ऐसे लगा देंगे कि 36 बड़ा है 24 से या 24 छोटा है 36 से। क्लियर है? ओके। इसके बाद हम ये भी कह सकते हैं, अंकों की संख्याओं पर भी निर्भर करता है कि हम देखते ही पहचान सकते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। यदि मैं यहाँ पर संख्या लिख दूं, यहाँ मैंने 4 लिख दिया, ठीक है, और ये जो संख्या हमारी सेम यही रहती है 24, तो हम अंकों के निर्धारण जान सकते हैं कि यहाँ दो संख्याएं हैं और यहाँ पर तीन संख्याएं हैं। तो हम संख्याओं के अंकों के आधार पर भी कह सकते हैं, गिनती के आधार पर कह सकते हैं कि इधर दो संख्याएं हैं उधर तीन संख्याएं हैं, तो कौन सी संख्या बड़ी होगी, तो तीन संख्या वाली, जो तीन अंकों वाली संख्या वो बड़ी होगी। तो हम इसका निशान यहाँ पर लगा देते हैं। अगर हमने यहाँ पर इसके आगे दो और अक्षर लिख देते हैं, दो संख्याएं और लिख दी हमने। अब देखिए, यहाँ पर तीन संख्याएं हैं और
यहाँ पर चार संख्या है, तो हम क्या करेंगे कि अब कौन सा बड़ा है इनमें से, 364 और 7124, तो इसमें से बड़ा कौन सा है, 424। क्लियर इतना। इसके बाद हम देखते हैं कि यदि दोनों अंक समान हो, दहाई वाला यानी कि जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 69 और इधर लिख देता हूं मैं 67। मैंने कहा था कि हम दहाई के अंकों को देखते हैं, अब जो दो अंक हैं, इधर हमने देखा दहाई, इधर हमने देखा दहाई, दोनों सेम है, तब हम क्या करते हैं, तब हम उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं यानी कि इकाई के अंक को देखते हैं, ठीक है। बाईं ओर से हम दाईं ओर चलते जाते हैं, उससे हमें क्या पता लगेगा कि यहाँ पर अब ये दोनों समान है, लेते हैं इकाई वाले। अब इकाई वाले में इधर 9 है और इधर 7 है, तो 9 बड़ा होता है 7 से, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 69 बड़ा है 67 से, तो हम ये निशान ऐसे लगा देंगे। क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करें तीन संख्याओं की, चार संख्याओं की, हम उसमें यही निर्धारण करते हैं कि अंकों के आधार पर भी हम बता सकते हैं। अब हम तीन अंकों की संख्या ले रहे हैं, अब यहां पे देखिए यहां भी तीन अंक है, यहां भी तीन अंक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सैकड़े का स्थान देखना पड़ेगा। अब सैकड़े के स्थान पर यहां तीन है, यहां भी तीन है, तो यहां क्या है, अब हम चलते हैं दहाई के ऊपर। अब दहाई में भी दोनों चार है, ये भी बराबर है, तो अब हम चलते हैं इकाई के स्थान पर। अब इकाई के स्थान पर एक तरफ है तीन और एक तरफ है एक, तो एक और तीन में कौन सा बड़ा है, एक और तीन में तीन बड़ा है, हम कह सकते हैं 343 greater than 341, ठीक है, तो 343 बड़ी है 341 से, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू का जो संख्याओं की तुलना की, कौन सी संख्या बड़ी, कौन सी छोटी और कौन सी संख्या बराबर है, तो उसके लिए हम ये सवाल किए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद हम अगले टॉपिक के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।